Please share it to all your contact. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यअश युरिद अन ज़िक्रिर रहमानि अल कुरआनि नक़य्यिज़ नुसब्बिब लहु शैतानन फहुव लहु क़रीन ला युफ़ारिक़ुहु व इन्नहुम अश्शयातीनु लयसुद्दूनहुम अय अल-आशिन अन सबील तरीक़िल हुदा व यहसबून अन्नहुम मुहतदून फ़िल जम'i रिआयतु मा'ना मन हत्ता इज़ा जाअना अल-आशी बिक़रीनति यौमिल क़ियामति बिक़रीनिही यौमिल क़ियामति क़ाल लहु या लित्तंबीह लैत बैनी व बैनक बुअदल मशरिक़ैनि अय मिस्ल बुअद मा बैनल मशरिक़ि वल मग़रिबि फ़बिअसल क़रीन अन्त लि क़ाल तआला वलन यनफ़अकुम अय अल-आशीन तमन्नीकुम व नदमुकुम अल-यौम इज़ ज़लमतुम अय तबय्यन लकुम ज़ल्मुकुम बिल-इशराक फ़ी दुनिया अन्नकुम मअक़रनाइकुम फ़िल अज़ाबि मुश्तरिकून علة بتقدير اللام لعدم النفع وإذ بدل من اليوم पर आयत के अंदर जो मुश्किन मक्का का एतराज़ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि नबी जो बनाया गया तो किसी को क़र्यतैन में से किसी बड़े शख्स को बनाया जाता, यतीम शख्स को जो माली एतबार से कोई ज़्यादा ऊंचे मरतबे वाला नहीं, कैसे नबी बना दिया? उसका जवाब अल्लाह ताला ने दे दिया कि तुम्हारी मईशत कि जिसका ताल्लुक़ तुम्हारे क्या साथ है हमने उसका इख्तियार तुमको नहीं दिया है, तो इतनी बड़ी चीज़ नबूवत का मसला जो इससे बढ़कर चीज़ है, इसका इख्तियार तुमको कैसे दिया जाएगा कि तुम जिसको चाहे नबी बना दो, ये तुम्हारे इख्तियार में है। जैसे दुनिया का माल दौलत और फिर आगे उसी माल दौलत के हिसाब से बात जिक्र की गई कि माल दौलत हम देते हैं, अगर हम चाहें तो कुफारों को इतना सारा भी दे सकते हैं कि ऐसे उनके मकानात बिल्डिंगें सब किसकी हो, सोने चांदी की हो, मगर ख़तरा है कि लोग भी इस्लाम पर नहीं रहेंगे, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। दुनिया कुफारों के लिए है और जन्नत आखिरत किसके लिए है? मुत्तकीन के लिए है। जिसे खुद हदीस के अंदर कह दिया गया दुनिया सिजनुल मुअमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अब आगे जो आदमी हमने तो दोनों तरह की दौलत किसी को दी, कम दी, ज़्यादा दी, सब इसमें इम्तिहान है, मकसद है। हमारे इख्तियार की चीज़ें जिसको चाहे कम दे, जिसको चाहे ज़्यादा देवे, मगर जो इसी के पीछे लग जाएगा, दुनिया के पीछे लग जाएगा और अल्लाह ताला की ज़िक्र से, कुरान से, अल्लाह की बातों से एराज़ करेगा, तो हम एक सज़ा दुनिया के अंदर उसको ये देंगे कि उसके साथ एक शैतान लगा देंगे, उसके साथ एक शैतान लगा देंगे जो शैतान उसको बुराइयों पर उकसाता रहेगा। जब भी इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक फ़रिश्ता भी रहता है और एक शैतान भी रहता है। फ़रिश्ता भी साथ में, जिसको हमज़ात कहा जाता है, और पहले कहा भी था मैंने कि आमिलीन वगैरह जो होते हैं वो किससे ताउन लेते हैं? हमज़ादों से ताउन लेते हैं। हुसैन बताने गया किसी को ये क्या आमिल वगैरह ने, तो बता दिया कि हुसैन नात ने सुबह ये नाश्ता किया, आज दोपहर एक आया, हुसैन मोतकिद बन जाता है कि वाह देखो उसको मैंने बताया भी नहीं कभी, उसने ऐसा कह दिया। तो ये मालूमात कैसे ली जाती है? शयातीन के ज़रिए से। इसलिए कि आमिलीन शयातीन को क्या करते हैं? ताबे करते हैं। और शयातीन आपस के अंदर क्या होते हैं? दोस्त। तो हमज़ाद भी किसके अंदर से है? शयातीन के अंदर से है। तो वो उस शैतान को क्या कर देता है? बता देता है। एक तो साथ में ही रहता है, अब उसको सब पता है रशीद अहमद को क्या खाता है क्या नहीं खाता है, उसने तेरे साथ में रहता है, अब रशीद अहमद ने जाकर बता दिया और फिर उसने रिपोर्ट दिया, तो क्या हुआ? ये कुछ भी नहीं। तो वो तो हमज़ाद ने जाकर बताया उस शैतान को, और शैतान ने आमिल को क्या रिपोर्ट दे दिया। इसलिए ये एक हमज़ाद होता है। तो एक तो शैतान वो होता है जो हर एक के साथ होता है। हत्ता के साहबा ने पूछा भी कि अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपसे भी, आपके साथ भी था क्या? कहा मेरे साथ भी है, मगर मेरे शैतान ने क्या कर लिया है? ईमान कबूल कर लिया है। वो अच्छी बातों का हुक्म देता है, वो मुझे बुरी बात का हुक्म देता नहीं है। तो एक तो शैतान वो है जो हर इंसान के साथ होता है। यहाँ पर इस शैतान का तस्करा नहीं है, यहाँ पर तो वो मसला है कि जो शख्स रहमान के जिक्र से एराज़ करेगा उसके लिए एक और शैतान मुसल्लत कर दिया जाएगा, ये इसकी सज़ा मिली। गोया कि जिस हदीस में जिक्र किया गया है कि नेकी की नकद जज़ा, नेकी की नकद जज़ा ये है कि दूसरी नेकी की तौफीक मिल जावे, दूसरी नेकी क्या मिल जावे, ये नकद जज़ा है। आखिरत में जो बदला मिलेगा तो अपनी जगह मिलेगा, बाकी नेकी की नकद जज़ा और नकद बदला ये है कि एक नेकी के बाद दूसरी नेकी की क्या मिल जावे? तौफीक मिल जावे, ये नकद बदला है। हमने फजर की नमाज़ पढ़ी जमात के साथ अल्लाह ताला की तौफीक से, एक हमने काम किया नेकी का। अब इसकी नकद जज़ा ये मिलती है कि कोई ना कोई दूसरे काम करने की तौफीक मिल जाती है। सूरह यासीन जी पढ़ने की तौफीक मिल गई, पारे की तिलावत करने की तौफीक मिल गई, इशराक पढ़ने की तौफीक मिल गई, जो भी मिल गई अल्लाह ताला की तरफ से। तो इसकी नकद जज़ा ये होती है कि दूसरी नेकी की क्या मिल जाती है, तौफीक। और गुनाह की नकद सजा ये है, गुनाह की नकद सजा ये है कि आदमी दूसरे गुनाह के अंदर भी क्या हो जाता है, फंस जाता है। झूठ का गुनाह किया तो नतीजा क्या निकलेगा कि और गुनाह भी इससे सर्जद हो जाएगा। चोरी का गुनाह किया, नतीजा क्या निकलेगा कि और भी गुनाह उसकी। तब ये जो सर्जद होगा वो किसके जरिए, उसी शैतान के जरिए से। तो जो रहमान के जिक्र से एराज करता है अल्लाह तो उसके साथ क्या लगा देते हैं, सजा के तौर पर गोया कि दुनिया में उसके साथ क्या लगा देते हैं, शैतान लगा देते हैं। जो शैतान उसके साथ हर वक्त रहता है, उसको अच्छे रास्ते से रोकता है और बुरे रास्ते की क्या करते रहता है, तलकीन कर रहता है और उसके पीछे भी चलता है। और ये लोग ये समझते हैं कि हम हिदायत के ऊपर है, हालांकि हिदायत के ऊपर नहीं है। या फिर ये लोग ये समझते हैं कि ये शयातीन हिदायत के ऊपर है, शयातीन जिनको तलकीन कर रहे हैं। तो हमें किसकी बात की तलकीन कर रहे हैं, अच्छी बात की तलकीन ये समझ रहे हैं, हालांकि इनका ये बात गलत है। दुनिया में ये हो रहा है, मगर जब आखिरत का नतीजा सामने आएगा और वहाँ पर दोनों उठेंगे, जैसे हमजाद यहाँ पर साथ में है, फरिश्ता साथ में है। फरिश्ता अच्छी बात का इल्का करता है और शैतान बुरे वसवसे डाला करता है, दोनों का काम अपने हैं। अब इसको इंसान को इख्तियार है, अल्लाह ने दोनों रास्ते बता दिए हैं। इल्हाम वाला रास्ता भी फरिश्ता इल्हाम भी करता है और शैतान बुरी बातें भी डालता है। किसको मानना है, उसको खुद को फैसला करना है कि मुझे किसके नक्शे कदम पर चलना है। या तो उसके साथ रहते हैं। फिर जब आदमी कब्र से उठाया जाएगा तो शैतान जिसका करीन बन चुका था वो भी शैतान भी साथ में रहेगा, उसका हाथ उसके हाथ में रहेगा, हत्ता के जहन्नम में जाकर डालेगा, वो भी जाएगा और उसको भी का ले जाएगा, जहन्नम में लेकर के जलेगा। और जिसके साथ फरिश्ता था, अच्छी बात का इल्हाम करता था, फरिश्ता की बातें मानता था, वो भी साथ में उठेगा, हत्ता के उसके साथ रहेगा और उसको कहा जा लेगा, छोड़ेगा उसको जन्नत में ले जा करके उसको छोड़ेगा। तो फिर दुनिया के अंदर तो ये होता है, इस तरह शैतान मुसलत कर दिया जाता है जो उसको बुरी बातों की तलकीन करता रहता है। और जब आखिरत का मंजर सामने आएगा, जब उठ करके आए तो क्या कहेगा, तमन्ना करेगा काश के मेरे दरमियान उसके दरमियान बोअदल मशरिकैन, दो मशरिक, मुराद क्या, मशरिक और मगरिब। जैसे बोलते हुए उमरैन बोल दिया जाता है, ऐसे शमशो कमर को कमरैन बोल दिया जाता है, ऐसे मशरिक को मगरिब को क्या बोल देते हैं, मशरिकैन, हालांकि मुराद मशरिक और मगरिब। क्या अच्छा होता कि इतनी दूरी हो जाती, जितनी दूरी मशरिक और मगरिब के दरमियान इतनी हमारी दूरी हो जाती तो बहुत अच्छा रहता कि बुरी बातें तलकीन न करता मुझे और ये गलत जहन्नम में मुझे नहीं जाना पड़ता। गलत क्या फ़ायदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अभी तमन्नाएं करना कुछ काम नहीं आएगा, अब तो दोनों के दोनों अजाब में मुश्तरक हो, तुम भी और वो भी अजाब में मुश्तरक है, उसको भी अजाब मिल रहा है, तुमको भी मिल रहा है। तो अभी तमन्ना करना कि काश के अच्छा होता कि दूरी होती, अब क्या फ़ायदा तमन्ना करने का, क्योंकि नतीजा नहीं निकलने वाला है। यह है कि इनको नफ़ा नहीं देगा, ये बात नफ़ा नहीं देगी। अजाब में मुश्तरक होना, अजाब में दुनिया में ऐसा होता है, एक मुसीबत सब पर आ जाती है तो ज़रा मुसीबत क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो फुला भी ऐसा है, उसको भी बुखार आया, उसकी बुखार, अच्छा चलो कोई नहीं, सबको आता है। तो ये आदमी को बीमारी क्या हल्की हो जाती है। मगर आखिरत में ऐसा नहीं होगा, चलो वो भी जल रहा है, वो भी जल रहा है, वो भी जल, मैं भी जल रहा हूँ, तो हल्की हो जाएगी वहाँ बीमारी और तकलीफ हो जाएगी अजाब में। कोई नहीं, वहाँ अजाब में मुश्तरक होने से मत समझना कि हमारे अजाब में क्या हो जाएगी, कोई हल्कापन और कुछ सुकून हो जाएगा, कुछ नहीं, बल्कि दिन ब दिन अजाब में क्या होती चली जाएगी, ज्यादती होती चली जाएगी। तो रहमान से जिक्र कर, अल्लाह के जिक्र से एराज करने का नतीजा ये होता है कि शैतान क्या हो जाता है, मुसलसल। इस हदीस में भी जिक्र किया गया है कि जब तक इंसान अल्लाह का जिक्र करते रहता है तो शैतान उससे क्या रहता है, दूर रहता है। और जैसे जिक्र छोड़ा फौरन सूट की तरह, हदीस में उसका नक्शा खींचा गया है ना, पीछे मच्छर आता है ना, और मच्छर कैसा इंजेक्शन देता है चुपके से, तो इसी तरह वो भी शैतान पीछे बैठा रहता है और कल्ब के अंदर क्या घुसाता है, सुई घुसाता है। मोबाइल खोल, औरतों को देख, वो अंदर से सब कहना, वो इंजेक्शन के जरिए से पहुंचाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, इसका अपना काम शुरू कर देता है। तो अगर अल्लाह के जिक्र में रहेगा हर वक्त तो फिर ऐसी चीज़ों की नौबत नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला के क्या रहने का, 24 घंटे अल्लाह ताला के जिक्र में रहने का। कोई मुश्किल है, मुश्किल है कोई, कुछ भी मुश्किल नहीं। बहुत रात को सोए तब भी अल्लाह के जिक्र में, ईशा की नमाज कैसे पढ़ो माँ जमात और फजर की नमाज माँ जमात, पूरी रात की इबादत का सवाब मिल जाता है कि हदीस में कि नहीं है। तो पूरी रात गएगी किस पे गुजारी, उसने इबादत में गुजारी, अल्लाह अल्लाह करते सो जावे, दुआएं पढ़ ले जो मसनून दुआ है सोने से पहले की, सूरह फलक सूरह नास पढ़ लिया और अल्लाह अल्लाह करता रहे और आग लग जाएगी। तो पूरी गोया कि जब तक सोएगा 7 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी सोएगा, पूरे सोने को उसको क्या मिलता रहेगा, अल्लाह अल्लाह कहने का सवाब। वो अल्लाह तो बन क्यों हुआ, वो तो क्या ही रहता अल्लाह अल्लाह, बन क्यों हुआ? सोने की वजह से। उसका क्या कसूर इसके अंदर? तो नींद कोई किसकी तरफ से है? अल्लाह ताला की तरफ से है, उसका कोई कसूर नहीं है। और जब उठा तो फौरन दुआ पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, फौरन पढ़ ली। बिस्मिल्लाह करके सोया था और अल्हम्दुलिल्लाह क्या कर क्या हुआ? खड़ा हुआ। पूरी रात किसका मिल गया सवाब? इबादत। खाने बैठा, बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह पर खाना खत्म किया, खाना क्या बन गया? इबादत। हर चीज़ इबादत बन जाती है अगर वो बनाना चाहे तो, मगर उसकी नीयत होनी चाहिए। वम याशो, याशो का माना क्या किया? यूरिस। और जो रहमान के जिक्र से एराज करता है, या अशु, अशा या अशु अश्वन से, अशा याशु अश्वन से, जिसके माना क्या करना है? एराज करना। और एक बाजू ने कहा वम या अशा, अशिया या अशा, कम नजर आना, नजर कम आना, अंधा बन जाना, कम नजर आना, उसको काशिया या आशा कहते हैं कि जिसको कम नजर आवे रहमान के, रहमान का जिक्र। मगर यह मराद हुई यूरिस के माने में आशा याशु, जिसके माना एराज करना। और जो शख्स एराज करेगा रहमान के जिक्र से, यानी अल्लाह ताला के जिक्र से रहमान की सिफत लाई गई इस बात को बताने के लिए कि अल्लाह ताला बड़े रहम करने वाले हैं, तुम अल्लाह का जिक्र करो, तुम अल्लाह ताला क्या करेगा? रहम करेगा। ऐसे रहीम, ऐसे रहमान से एराज हो सकता है? एक बहुत बड़ा दाता हो और उससे दूरी इख्तियार कर रहा, ये कौन सी अक्लमंदी है? इतना बड़ा रहम करने वाला है और उससे दूरी इख्तियार की जावे, इसका नाम न लिया जावे, इसका तस्करा न किया जावे, ये कैसी बात है? वमन याशु, और जो शख्स एराज करे रहमान के जिक्र से, मुराद क्या है? कुरान। कुरान से क्या करे? एराज करे। कुरान देखता ही नहीं है, कुरान पढ़ता ही नहीं है, कुरान पर अमल ही नहीं करता है। नुकय्यिज ऐ नुसब्बिब, हम उसके लिए सबब करार दे देते हैं, हम उसके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं शैतान, हम उसके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं एक शैतान पीछे क्या करते हैं? लगा देते हैं। फौलो करीब, पशु इसका साथी बन जाता है, पशु शैतान उसका क्या बन जाता है? साथी बन जाता है। ला युफारिकु, इससे अलहदा नहीं होता है, हर वक्त साथ में, सोने में, खाने में, पीने में। खाने बैठा, बिस्मिल्लाह पढ़ा ही नहीं, खाने में क्या हो गया? शरीर जल्दी खत्म हो गया खाना, या तो चलो पेट भी नहीं भरा, वो कहाँ से भरेगा? बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तूने, साथ में क्या खा रहा था? करीन खा रहा था, शैतान खा रहा। सोया और वो भी शैतान भी साथ में सो गए बिस्तर के ऊपर। इस हदीस में आता है कि जो आदमी खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ लेवे और रात को दरवाज़ा बंद करते हुए क्या पढ़ लेवे? बिस्मिल्लाह पढ़ लेवे, तो शैतान ये कहता है इस घर में न मेरा ठिकाना है और न मेरा सोना, न खाना है और न तो मेरा ठिकाना है, न मेरा सोना है। इसलिए दरवाज़ा बंद करते हुए क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद करना चाहिए, ताकि शैतान घर में न आ जावे, न शैतान आएगा फजर में फिर उठने नहीं देगा वो। ला युफारिकु, उससे अलहदा नहीं होता है। वइन्नहु, और बेशक वो, यानी कौन? शयातीन, लफ्ज ऊपर शैतान आया था, मुराद जिन से शैतान, इसे ज़मीर कौन सी लाई गई? खूब। और बेशक वो यानी शयातीन लयसूदूनहु, इनको रोकते हैं, इनको रोकते हैं अलाशीन, एराज करने वालों को, अलाशीन एराज करने वालों को, कि अलबत्ता उनको रोकते हैं, एराज करने वालों को रोकते हैं रास्ते से। कौन से रास्ते से? हिदायत के रास्ते से। अब सीधे रास्ते पर नहीं चलने देते। अब कौन सा रास्ता नजर आता है? टेढ़ा नजर रास्ता आता है, आंखें भी इधर उधर घूमती है, खिड़की पर खड़ा रहता है और सब चीज़ें क्या आती है? मखलूकात को देखता है। अब वही शैतान खड़ा कर देता है, भाई देख ले क्या देखना है तुझे। वही यहसबूना, और यूँ समझते हैं वो आशीन एराज करने वाले, यूँ समझते हैं अन्न मुहतदून, कि बेशक वो क्या है? सही रास्ते पर है। क्या है वो? सही रास्ते। या तो अन्न वो यानी खुद क्या चल रहा है, उनको गलत बात समझ में नहीं आती है, अपनी बातें मोबाइल गलत देख रहा है, समझाओ तो भी क्या है? नहीं, मैं तो सही कर रहा हूँ। कितने लोग हैं आजकल यही ज़माना चल रहा है, किसी को कोई बात पसंद ही नहीं, कुछ सुनना ही नहीं चाहता है, कि किसी को सही बात कहो मानने के लिए तैयार नहीं, हर एक बस अपनी धुन में मस्त है, मोबाइल के अंदर सब क्या होगा मस्त है। ऐसे सबको मोबाइल के पीछे लगा दिया है कि मोबाइल जो कहे वो सही, हम जो कहे वो सही नहीं। फिर हमारी बातों में तो किससे पहुँच रही है? मोबाइल से पहुँच रही है ना, फिर मान दो, क्यों नहीं मानते हो? जब मोबाइल की सब बातें मानते हो तभी हमारा पैगाम किससे पहुँच रहा है? मोबाइल से। तो इसका हमारी बातें भी सब क्या कर लो, मान लो कि मोबाइल में क्या चीज़ें गलत चीज़ें ना देखो, इधर उधर की गेमें ना खेलो, वक्त को ज़ाहिर ना करो, सही मोबाइल का क्या करो? उपयोग करो। भैया सबूना, और यूँ समझते हैं मुहतदून, कि बेशक वो क्या है? हिदायत पर है। दूसरी तफसीर, और वो समझते हैं कि वो कौन? शयातीन हिदायत याफ्ता है, वो हमको बिल्कुल सही रहबरी कर रहे हैं। जब बात किसी के चेले बन जाते हैं ना, उनका गुरु और उनका चेला, अब लोग समझा भाई तू गलत, तो ये उंधा मारेगा, तुझे कहीं फंसाएगा, मगर नहीं, उसको समझ में नहीं आता है, वो उसके पीछे पीछे चलता रहता है, उसको बात कितना भी कहो मगर नहीं, वो हिदायत याफ्ता है, हालांकि बिल्कुल टेढ़ा है वो, मगर तब इसको क्या समझता है? मुहतदून। फिल जमे रियायत माना मन, जमा लाने में माना के मन की रियायत तीन जगह पर जमाल आया है। लयसुद्दू न हूं, वो शयाती इनको रोक देंगे। किनको रोक देंगे? आशीन, एराज करने वालों को। हम जमीर जमाई। फिर यह सबूना क्या आया? जमा। अन्नहुम क्या आया? जमा। तो ये जमा लाने के अंदर किसकी रियायत है? मन। मैयाशो, मन के माने की रियायत है। और पहले तीन जगह पर मन के लफ्ज की रियायत की। याशो जमीर वाहिद, फिर नुकैज़ लहू जमीर वाहिद, फ़हुव लहू करीन लहू जमीर वाहिद। ये सब किसके? मन का लफ्ज की रियायत की। तो तीन जगह पहले मन के लफ्ज की रियायत की, फिर तीन जगह माने की रियायत की, फिर आगे भी दो जगह मन के लफ्ज की रियायत की, फिर आगे तीन जगह मन के माने की रियायत की। इस तरह आ रहा है सब। जमा में मन के माने की रियायत है। ये इबारत क्यों बढ़ाई? समझ में आ गया? हाँ, मतलब कि जमा क्यों लाए भाई? तो इससे कि माने के मन के माना कि मुराद बहुत सारे एराज करने वाले, जो भी एराज करें। हत्ता इदा जाना, देखो जाओ यहाँ भी कौन सा जगह लाए भाई? कौन सी रियायत? किसकी रियायत? मन के लफ्ज की। यहाँ तक के जब वो हमारे पास आ जाएगा, कौन? वो एराज करने वाला मैयाशो। यहाँ तक के जब हमारे पास आ जाएगा, कौन आ जाएगा? अलाशी, एराज करने वाला अपने करीन के साथ। जब कबर से उठेगा तो हमजा भी सब पे उठेगा, दोनों उठेंगे और जाएंगे मैदान महशर में। एराज करने वाला हमारे पास आएगा अपने करीन के साथ क़यामत के दिन। तो कौल लहू, तो उसको कहेगा वो आशी, अपने करीन से कहेगा। या फिर तंबी है, तरब्बो करने के लिए। या फिर या फिर निदा है, अई करीन, करीन को खिताब करके कहेगा। मुदादा क्या है? माजूफ है। अई करीन लई तबईनी वबई न कबुल मुश्किया, अच्छा होता लई तकाश के मेरे दरमियान और तेरे दरमियान मशरिक और मरीब का फसला हो जाता। तो मेरे पास कभी आता ही नहीं। ये तूने गलत तलकीनें करके सबके मुझे क्या कर दिया? गुमराह कर दिया। काश के मेरे दरमियान और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब का फसला होता। अई मिसलो बोदल मशक तर्जमा कर रहे हैं, जीतना बुसला बोदो, उस दूरी के मानिंद जो कि मशरिक और मगरिब के दरमियान में है। मशरिक और मगरिब दोनों को तकलीफ करके क्या कह दिया है? मशरिकाई। फबीसल करीन, बस बहुत ही बुरा साथी है। अंतली, ये अंत जो निकाला मखसूस बिजम, मखसूस बिजम, जैसे मखसूस बिलमदा होता है ऐसे फबीस अफाले जम के अंदर से। तो अंत पर तू बहुत ही मेरा करीन है, तो बहुत ही बुरा मेरा करीन है। काल ताला, अल्लाह ताला के फरमाते हैं वला यनफाकुम, और तुमको नफा। अब देखो कुम कौन सी ज़मीर आई? जमा की। जा भी वाहिद का सिगा था और काला भी वाहिद का सिगा, तो दो जगह वाहिद के सिगा आया, मन के लफ्ज की रियायत। फिर यनफाकुम जमा का सिगा लाया गया, तो ये किसका? मन के माने की रियायत। और हरगिज तुमको नफा नहीं देगा, और हरगिज तुमको नफा नहीं देगा। अल आशीन क्या नफा नहीं देगा? आगे उसको निकाला है। हरगिज तुमको नफा, किनको नफा? ये कुम का मर्जा जाहिर किया, कुम से मुराद जाहिर की कि कुम की क्या मुराद है? अल आशीन। हरगिज तुमको नफा नहीं देगा, किनको नफा नहीं देगा? आशीन, एराज करने वालों को। हरगिज नफा नहीं देगा एराज करने वालों को। क्या नफा नहीं देगा? लयनफा के अंदर जमीर जो फाइल है, जमीर जो उससे मुराद क्या है? उससे मुराद ये है तुम्हारा तमन्ना करना और तुम्हारा पछताना आज तुमको नफा नहीं देगा। और ये तमन्ना करना पछताना किससे समझ में आता है? लई तबईन व बैनक से समझ में आ रहा है तमन्ना करना। और हरगिज तुमको नफा नहीं देगा, यानी एराज करने वालों को नफा नहीं देगा तुम्हारा तमन्ना करना और तुम्हारा पछताना। जो पछता रहे कि अच्छा होता कि दूरी हो जाती, मगर अब ये पछताने से तमन्ना से काम नहीं चलेगा। अल्यौम आज, कौन से दिन? क़यामत के दिन। ये आज इस तरह कहने से कोई काम चलने वाला नहीं है, पछताने से काम चलने वाला नहीं है। इस ज़ुल्म तुम, जबकि तुमने क्या किया? जुल्म किया। जबकि तुमने जुल्म किया और आज पछता रहे हो। मारा, परेशान किया सबको और अब पछता रहे गए आसानी के। तो थोड़ा अब तो सजा मिलेगी, करके आए हो, अब सजा तुमको मिलने वाली है, छूटे होंगे, छूटने वाले नहीं हो। इस ज़ुल्म तुम, जबकि तुमने क्या किया है? जैसे घूमते रहे फिरते रहे, कुछ को दर्जा मिल गया, आगे इम्तिहान में कामयाब हो गए, कुछ को नहीं मिला, घूमते फिरते रहे, कुछ बढ़ाए नहीं, वो आगे बढ़ गए। तो अब पछताना काम चलेगा। तो उस वक्त तो मेहनत का ज़माना था, पूरा साल खाली पड़ा हुआ था, मेहनत करते, काम में लगते, नहीं के वक्त को क्या करते? ज़ाया करते। जैसे कितने लोग होंगे तलबा इस ज़माने में जो फ़ायदा उठाएंगे, मेहनत कर रहे होंगे बराबर, और दूसरे मदरसे में अगर अपने मदरसे में तरक्की नहीं मिलेगी तो क्या चले जाएंगे? वो दूसरे इम्तिहान दे करके आगे बढ़ जाएंगे। देख लेना क्या होता है मंजर सबको, तो जब खुलेगा तो पता चलेगा कि क्या क्या इनकलाब बर्पा होता है। इस ज़ुल्म तुम, कितने लोग ऐसी कोशिश करें, अच्छा कि चलो जल्दी 2 साल आगे बढ़ना था, बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, अल्लाह ताला ने मौका दे दिया 2 साल आगे बढ़ने का, मेहनत कर लो बराबर अच्छी तरह और आगे इम्तिहान देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस ज़ुल्म तुम, उसका तर्जुमा क्या किया? तबय्यन लकुम जुल्मकुम, तुम्हारे सामने तुम्हारा जुल्म जाहिर हो गया दुनिया में शिरक करने की वजह से। ये इबारत क्यों निकाली उसकी वजह बताते हैं। अल्यौम वलयनफाकुम, और तुमको आज ये तुम्हारा तमन्ना करना नफ़ा नहीं देगा। आज यानी कौन से दिन? क़यामत के दिन। जब क़यामत का दिन होगा तो तुमको नफ़ा देगा नहीं। और इस ज़लम तुम, जबकि तुमने क्या किया? जुल्म किया। जुल्म कहाँ किया? दुनिया में। तो इस ज़लम जिसे आगे कह रहे, इस किसका बदल है? यौम का बदल है। आगे कह रहे और इस बदल है यौम का। तो इस ज़लम तुम किसका बदल है? यौम। और मुबद्दल मीनू और बदल दोनों तो एक ही ज़माने में हुआ करते हैं, ज़माना अलग अलग हो तो कैसे काम चलेगा। तो यौम तो कौन सा ज़माना? हाल का ज़माना। और इस ज़ुल्म तो कौन सा ज़माना? माजी का ज़माना। कैसे बदल बनेगा? इसका जवाब दिया। जुल्म तो किया था, जब भी किया था, मगर ज़ाहिर कब हुआ? क़यामत के दिन। ज़ाहिर कब हुआ? वो तो कहा जुल्म समझ ही रहे थे। वो तो क्या समझ रहे थे? हम तो अच्छा कर रहे हैं, सबको परेशान कर रहे और खुश हो रहे थे कि वाह कैसे कितनों को परेशान किया, कितनों को मार डाला। और क्या कर देते हैं? चुपके से मामले चीन भी करते हैं और फिर ऐसे भी एनकाउंटर कर दिया। और हम तो सही कर रहे हैं, बराबर, हम हक पर है। अब पता चलेगा, अब जाहिर हुआ जुल्म कि क्या क्या तुमने सब जुल्म किए थे। जबकि इस जुल्म, जबकि तुमने क्या किया? जुल्म किया, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा जुल्म जाहिर हो गया दुनिया में शिरक करने की वजह से। अन्नकुम ऐ लिअन्नकुम, इसलिए कि तुम, ये तुम्हारा तमन्ना करना नफ़ा नहीं देगा। क्यों नफ़ा नहीं देगा? इसलिए कि तुम अपने कोरोना के साथ, अपने करीनों के साथ अजाब के अंदर मुश्तरक। कोरोना वही कोरोना, ये भी कोरोना, देखो जोड़ हो रहा है यहाँ भी। अन्नकुम लिअन्नकुम, इसके बेशक तुम लोग अपने कोरोना के साथ, अपने रफ़का के साथ, अपने शयातीन के साथ अजाब के अंदर क्या हो? मुश्तरक। ये अन्नकुम, ये इल्लत है लाम के मुकद्दर होने की वजह से। लिअन्नकुम, लाम के मुकद्दर होने की वजह से। लिअदमी नफ़ा, नफ़ा न होने की वजह के, नफ़ा होने वाले तमन्ना करने की वजह से कोई नफ़ा होने वाला नहीं। और इस यौम का क्या है? बदल है। بأن نميتك قبل تعذيبهم فإنا منهم منتقمون في الآخرة أو نرينك في حياتك الذي وعدناهم به من العذاب فإنا عليهم على عذابهم مقتدرون قادرون فاستمسك بالذي أوحي إليك أي القرآن إنك على صراط طريق مستقيم وإنه لذكر لشرف لك ولقومك لنزوله بلغتهم وسوف تسألون عن القيام بحقه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن أي غيره آلهة يعبدون قيل هو على ظاهره بأن جمع له الرسل ليلة الإسراء وقيل المراد أمم من أي أهل الكتابين ولم يسأل على واحد من القولين لأن المراد من الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله أنه لم يأتي رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله। तो जो लोग रहमान के ज़िक्र से एराज़ करते हैं, अल्लाह ताला के ज़िक्र से एराज़ करते हैं, कुरान पर अमल नहीं करते, ईमान वाले रास्ते पर नहीं चलते, इन लोगों के लिए शैतान क्या कर दिया? साथ में कर दिया जाता है, जो उनको बुरी बातों पर उपाड़ता रहता है, गुनाही करते रहते हैं, हत्ता कि दोनों साथ में ही खड़े होंगे और साथ में जहन्नम के अंदर वो जाएंगे। अब आगे तसल्ली का मजमून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कभी लोग तो है ही ऐसे, शैतान के साथ कर दिया गया है, ये कभी रास्ते पर आने वाले नहीं है। अब ज़्यादा मेहनत ना करें, बस आप अपना काम करते रहिए समझाने का, ठीक है समझे फबी या ना समझे, ये लोग अंधे बेहरे हैं, गुमराही में पड़े हुए हैं, कभी आपकी बातें उनको समझ में आने वाली नहीं है। बस आपका काम तो सिर्फ क्या है? तबलीग है, पहुंचाना है। इसलिए कोई सुने या ना सुने, हमें हमारा काम करते रहने का, हमें हमारा काम रोकना नहीं। लोग सुनते ही नहीं, हमारा काम छोड़ देवे नहीं, हम हमारा काम करते रहेंगे। अफअंत, क्या बस आप बहरे को सुना सकते हैं या अंधे को रास्ता बता सकते हैं? और जो के सरी गुमराही के अंदर है, मुबीन का माना किया बैय्यिन, जो साफ और वाज़े गुमराही के अंदर है, फहुम ला युमिनून, उस ईमान लाने वाले नहीं। अंधे बहरे हैं, क्या सुनने से पहले, यानी ठीक है ऐसे तो सुनते हैं मगर सुनना ऐसा जो उनको नफा बख्श हो, ऐसा सुनते नहीं है, उस ईमान लाएंगे नहीं। फ़इम्मा, फ़इन इसमें इदगाम है, नून का फ़इन अलग है और मा अलग है, फ़इन अलग और मा अलग। इसके अंदर नून का इदगाम है, इनी शर्तिया की नून का इदगाम है माई जायदा में, इनी शर्तिया का नून, पीछे जो नून है वो, इनी शर्तिया के नून का इदगाम माई जायदा में हो रहा है, इन और मा अलग अलग वजह, तो उसको मिलाकर क्या कर दिया, इम्मा। फ़इम्मा नज़बन्ना, बस अगर हम आपको मौत दे दे, हम आपको ले जावे, मुराद क्या है इस तौर पर हम आपको मौत दे देवे इनको अजाब देने से पहले, फ़इन्ना मिन्हुम मुंतक़िमून, तो हम इनसे बदला लेने वाले हैं आखिरत। आपकी ज़िंदगी में इनको सज़ा नहीं मिली और आपकी मौत आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि छूट जाएंगे कोई, चलो अभी छूट गए तो छूट गएंगे, ठीक है भाई, दुनिया में अजाब नहीं मिला है, आखिरत में इनको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। और नुरय्यन का, यह हम आपको दिखला देवे आपकी ज़िंदगी में जिसका हमने उनसे वादा किया है, यानी क्या किसका वादा किया है, अजाब, जैसे दिखा दिया गज़वे बदर के अंदर, और आपके इंतकाल के बाद भी साहबा के ज़माने के अंदर जंगों के अंदर मुसलमानों को क्या अल्लाह ताला ने फतह दी और कितनी जगह कामयाब हो गए मुसलमान सब, तो ये सब अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, उनको दिखा दिया। यह हम आपको दिखा दिए आपकी ज़िंदगी में जिसका हमने उनसे वादा किया है, अजाब का वादा किया है, फ़इन्ना अलैहिम, तो बेशक उनके ऊपर, उनके अजाब देने के ऊपर मुक़्तदिरून, हम क्या है, कादिर। बस आप अपना काम करते रहिए, अजाब आवे या नहीं इसको देखिए ही मत, बस अपना काम करते रहिए आप, तो अजाब आए तो भी ठीक है और नहीं भी आए तो छूट गए यहाँ पर, मगर आखिरत में अजाब मिलना ही मिलना है। फस्तमसिक बिल्लदी, बस आप रुके रहिए, बस आप जमे रहिए उस बात पर कि जिसकी आपकी तरफ वही की जा रही है। फस्तमसिक, आप पकड़े रखिए, अपना काम करते रहिए, कुरान को पढ़ते भी रहिए और कुरान को पहुँचाते भी रहिए, बस आप पकड़े रखिए उस चीज़ की जिसकी आप रवही की जाती है, मुराद क्या है, कुरान। बेशक आप सीधे रास्ते पर है, आप तरीके मुस्तकी, करीन बरीन आपके साथ कोई नहीं है जो आपकी गलत रहबरी करे, बिल्कुल आप तो सही रास्ते पर है, आप उसी रास्ते पर चलते रहिए और लोगों को उसकी रास्ते की दावत देते रहिए। भाई नौ, और बेशक लज़िक्रुन, और बेशक जिक्र है, वही नौ लज़िक्रुन, और बेशक लज़िक्रुन के माना क्या, अल्लाह शर्फ, और बेशक आपके लिए बहुत बड़ा शर्फ है और आपकी कौम के लिए बड़ा शर्फ है। फसौफ़ तुसअलून, और अनकरीब तुमसे पूछा जाएगा। बेशक आपके लिए और आपकी कौम के लिए बड़ा शर्फ है, किस वजह से, ये नुज़ूल ही बिलुग़त, उस कलामुल्लाह के उतरने की वजह से आप उन लोगों की लुग़त में, आपके लिए बहुत बड़ा शर्फ कि आपका तस्करा कलामुल्लाह के अंदर, इसलिए आपकी कौम के लिए बहुत बड़ा शर्फ कि जो कौम की ज़बान थी उसी ज़बान के अंदर किसको नाजिल किया गया, कुरान को। मुराद आपकी कौम से मुराद या तो क्या है, कुरैश है या पूरे अरब है, या बल्कि तमाम जितने भी आपके मुत्तबीन, आपके मानने वाले हैं, ये सब आपकी कौम है पूरे के पूरे, तो सबका जिक्र है, मुसलमानों के अंदर जिक्र है, उनकी ज़ुबान में चाहे नाजिल नहीं किया गया है मगर मुसलमानों के अंदर क्या किया गया है, तस्करा किया गया है। और बेशक आपके लिए और आपकी कौम के लिए बहुत बड़ा शर्फ है, क्यों, उसके उतरने की वजह से, कलामुल्लाह के उतरने की वजह से उनकी लुग़त के अंदर। वसौफ़ तुसअलून, और अनकरीब तुमसे पूछा जाएगा, अनिल क़ियाम बिहक़्क़िही, कायम करने के बारे में, उसके हक़ के मुताबिक। कुरान तुम्हारी ज़ुबान में उतारा गया और तुमको सबसे पहले उसका मुखातब बनाया गया कि इसको पढ़ो, इसको देखो, इस पर अमल करो। अब इसके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा कि क्या तुमने काम किया कि नहीं किया, इसका पैगाम लोगों को पहुंचे, कि तुम सबसे पहले तुम समझने वाले थे, तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि इसका पैगाम को क्या करो, तुमने आगे पहुंचाओ। और साहबा ने इसीलिए मदीना मनव्वरा को छोड़ करके इधर उधर चले गए सब, और पैगाम को क्या कर दिया, उन्होंने पहुंचा दिया। और आपने आखिरतुल विदा के मौके पर आपने कह भी दिया कि चाहिए कि शाहिद ये गायब को क्या कर देवे, पहुँचा देवे, और बाकायदा साहबा ने पहुँचा करके इसको दिखा दिया। और अनकरीब तुमसे सवाल किया जाएगा, अनिल क़ियाम बिहक़्क़ी, उसके हक़ के कायम करने के बारे में, कि कलामुल्लाह का हक़ जो अदा करना चाहिए तो तुमने अदा किया कि नहीं किया। वसल, और पूछिए, मन अरसलना, और पूछ लीजिए उन अम्बियाओं से कि जिनको हमने आपसे पहले भेजा है, मिन रसूलिना, हमारे पैगम्बरों में से, अजअलना, क्या हमने बनाया है, रहमान के अलावा, दुन रहमान मुराद गैर, अल्लाह के अलावा कोई माबूद, युबदून, कि जिसकी परस्तिश की जावे। आप तो इसी बात के पैगाम पहुंचा रहे हैं कि एक अल्लाह की बंदगी की जावे, और ये बात आप पहले वाले पंगिया अंबिया जो गुजर चुके उनसे पूछ लीजिए और तहकीक कर लीजिए, क्या किसी नबी ने भी ऐसा कहा है कि अल्लाह ताला के साथ गैरुल्लाह को पूजा जावे। आप तहकीक कर ले, पता चल जाएगा, तौरात से मालूम कर लीजिए, इंजिल से मालूम कर लीजिए, पहले वाले सहीफों से मालूम कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा ऐसी तालीम किसी ने भी नहीं दी है। तमाम अंबिया जितने भी आए, ये सब ने किसकी दावत दी है, तौहीदी की दावत दी है, ये तहकीक कर लीजिए। जैसे पहले आया था सूरह ज़ुखरुफ़ के शुरू के अंदर, ये आयत क्या मक्की या मदनी है, अब सवाल कीजिए किसे? पैगम्बरों से। तो मुराद लैलतुल इस्रा में सवाल करना है तो आयत कौन सी बनेगी? मक्की। और अगर मुराद मर रसलना अय उमद रसलना, उन लोगों की उम्मतों से कि जिनके पास पैगम्बर भेजे गए थे। यहूद से पूछ लीजिए, नसारा से पूछ लीजिए, वो बता देंगे सब कि जितने पहले भी अंबिया आए ये सब के सब क्या लेकर आए? दावत, तौहीद की दावत लेकर के आए। और आज भी चाहे तौरात के तहरीफ हो चुकी है, इंजील की तहरीफ हो चुकी है, तहरीफ होने के बावजूद भी अगर आज इंजील का मुताला किया जाए, तौरात का मुताला किया जाए तो आज भी तौहीद की बातें अंदर मौजूद है, आज भी देखा जा सकता है अंदर। और पूछ लीजिए जिनको हमने आपसे पहले पैगम्बरों को भेजा कि क्या हमने रहमान के अलावा, अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बनाया है जिसकी परस्तिश की जावे? कीला, कहा गया। यह आयत जो अपने जाहिर पर है कि बाकायदा पैगम्बर से क्या किया जावे? पूछा जावे। अपने जाहिर पर आयत है, अंबिया से क्या सवाल किया जावे? कहा गया कि आयत अपने जाहिर पर है इस तौर पर कि आपके लिए जमा किए गए पैगम्बरों को लैलतुल इस्रा में। एक कॉल तो ये कॉल, दूसरा कॉल ये कहा गया कि मुराद उममन, उन लोगों की, इन अंबियाओं की उम्मतों से पूछ लीजिए। मुराद यानी कौन? अहले किताबैन, यहूद और नसारा। वलम यस्अल अला वाहिद मिन कौल। अब ये कि आपने पूछा कि नहीं पूछा, तो एक कॉल ये है, दो कॉलों में से एक कॉल है कि आपने कोई पूछा नहीं, आपने कोई सवाल। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से जो मरवी है कि लैलतुल इस्रा के अंदर जब आपने इमामत कराई, सबसे पहले आप खड़े इमाम तो के दर्जे पर, और उसके बिल्कुल पीछे आप हज़रत इब्राहीम इस्लाम खड़े थे, और दाने हज़रत इस्माईल इस्लाम, और बाएं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, और उनके बाजू के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम। इस तरह पूरी सब सफ़े लग गई और आपने सबको तकरीबन 7 सफ़े लगी, 3 सफ़े रसूलों की थी और 4 सफ़े किसकी थी? अम्बियाओं की थी। ये सब सफ़े लग गई, अपने नमाज़ पढ़ा ली। उसके बाद जो इस्लाम ने पूछा, कहा हुजूर से कि आप इन अम्बिया से पूछ लीजिए कि क्या किसी नबी ने भी ये दावत दी है कि अल्लाह के अलावा किसी को पूजा जावे? तो आपने क्या फरमाया? नहीं, मैं कुछ सवाल नहीं करूंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने जो मुझे पैगाम दिया है बिल्कुल पक्की बात है और मुझे यकीन है इसके ऊपर, मुझे कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं। आपने कोई सवाल नहीं किया, इसीलिए कॉल ये कि आपने सवाल नहीं किया। और दूसरा कॉल ये जिक्र किया गया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के अलावा और दूसरे साहबा से कि बाकायदा आपने पूछा, ये सवाल किया कि बताओ कि अल्लाह ताला ने किसी और को साथ में शरीक करने का कहा है? तो सब अम्बिया ने जवाब दिया कि नहीं, एक अल्लाह ही की बंदगी का हुक्म दिया गया है, हम सबको ये पैगाम देकर भेजा गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, और आप सैयदुल नबी अम्बिया है, खातिमुन नबीयीन है, अब आपके पास कोई नबी नहीं आएगा सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के जिनको पहले से नबी बना दिया गया था। ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त भी क्या रहेंगे? वो नबूवत के ऊपर रहेंगे, वो इनकी नबूवत खत्म नहीं की जाएगी। हाँ, किसी नबी को नबी बनने के बाद उसकी नबूवत को ख़त्म किया जाता नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का पहले से तयशुदा है। तो ये नहीं कि ईसा इस्लाम उस वक्त आएंगे तो क्या बन जाएंगे? वो उम्मती बन जाएंगे और नबी नहीं रहेंगे। यानी उम्मती तो बनेंगे अपने जगह, तो ठीक है, आपकी कौम के अंदर और आपके ज़माने के अंदर आए, आपके मानने वालों में, मगर नबूवत का जो अहदा उनका है, वो नबूवत उनकी जगह क्या रहेगी? वो बाकी रहेगी। इसलिए देखो नीचे हदीस नीचे क्या लिखा है, ला नबी बाद का इला यौमिल क़ियामा इल्ला ईसा इब्न मरियम। इस्तिस्ना करके बता दिया, वो तो नबी रहेंगे, कोई पहले। हाँ भाई, मसला क्या? फिर आप खातिमुन नबीन कैसे? तो इसलिए कि आपको नबूवत तो दी, कब दी गई? आपकी बेअसत से पहले दी गई उनको, तो कोई मसला ही नहीं, वो तो पहले नबी बना दिया गया, पहले नबी बना दिए गए वो तो। चलिए, और आपने सवाल नहीं किया, दो कॉलों में से एक कॉल पर, इसलिए कि मुराद अमर से, और इसलिए कि मुराद सवाल के अमर से, ये जो हुक्म दिया गया, वस्अल मन अरसलना, सवाल जो क्या आप सवाल कीजिए, लेकिन मुराद सवाल के हुक्म से साबित करना है मुश्किन कुरैश के मुश्किन के लिए तकरीर साबित करना है, उनसे इकरार करवाना है, साबित करवाना है, इकरार करवाना है कुरैश के मुश्किन के लिए कि अल्लाह का कोई रसूल नहीं आया और न कोई किताब आई गैरुल्लाह की इबादत के बारे में, अल्लाह के अलावा की इबादत के बारे में न कोई रसूल आए। ये बाकायदा कोई अंबिया से सबूत नहीं लाना था, अंबिया से बात लेनी नहीं थी, मुराद सिर्फ क्या है? मुश्किन को समझाना कि बताओ कोई नबी ऐसा आया है कि जिसने गैरुल्लाह की इबादत करने के लिए कहा है? कोई किताब ऐसी आई है कि जिसने गैरुल्लाह की इबादत के लिए कहा? न कोई किताब ऐसी आई है और न कोई ऐसे नबी आएगी जिसने ये कहा हो कि अल्लाह के अलावा किसी और की भी इबादत की जाए। सब ने एक पैगाम दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह ही की बंदगी की जाए। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलइहि अय अलक़िबति फ़क़ाल इन्नी रसूल रब्बिल आलमीन फ़लम्मा जाअहुम बिआयातिना अद्दालतु अला रिसालतिही इदा हुम मिन्हा यज़हकून वमा नुरीहिम मिन आयतिन मिन आयातिल अज़ाबि कत्तूफ़ानि वहुवा माउन दख़ल बुयूतहुम ववसल इला हुलूकिल जालिसीन सबअत अय्यामिन वल जरादि इल्ला हिय अकबर मिन उख्तिहा करीनतिहा लती क़ब्लहा وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون عن كفرهم وقالوا لموسى لما رأوا العذاب يا أيها الساحر أي العالم الكامل لأن السحر عندهم علم عظيم ادع لنا ربك بما عهد عندك من كشف العذاب عنا إن آمنا إننا لمهتدون أي مؤمنون فلما كشفنا بدعاء موسى عنهم العذاب إذا هم ينقضون عهدهم ويسرون على كفرهم ونادى فرعون افتخارا في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار أي من النيل تجري من تحتي أي تحت قصوري أفلا تبصرون عظمتي أم تبصرون وحينئذ أنا خير من هذا أي موسى الذي وهو مهين ضعيف حقير ولا يكاد يبين يظهر كلامه للصغته بالجمرة التي تناولها في صغره فلولا هلا ألقي عليه إن كان صادقا أساور من ذهب جمع أسبرة كأغربة جمع سوار كعادتهم فيما يسودونه أو يلبسوه أسبرة ذهب أو يطوقوه ويطوقوه طوق ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين متتابعين يشهدون بصدقه استفز فرعون قومه فأطاعوه فيما يريد من تكذيب موسى إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا جمع سالف كخادم وخدم أي سابقين عبرة ومثلا للآخرين بعدهم يتمثلون بحالهم فلا يقدمون على مثل أفعالهم इन आयत में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कई दफ़ा कलामुल्लाह में बार बार जिक्र किया गया है। यहाँ पर ख़ास जो बात जिक्र की गई मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये के अंदर, जैसे कि पहले मुश्रिकीन मक्का ने जो कहा था कि आपको नबी बना दिया गया, हाल आपका कोई ओहदा नहीं है, कोई माल नहीं है, कोई जान नहीं है आपके पास, एक यतीम शख्स है, ये कैसे किसी बड़े शख्स को नबी बनाया जाता? तो उसका जवाब अल्लाह ताला ने दे दिया। अब यह भी इसी तरह की बात है, फिरौन ने यही बातें पेश की, इनको मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना दिया गया, मुल्क मिस्र मेरे पास, सब नहरें में चलाता हो, कंट्रोल तो मेरे पास है पूरा, इनको कैसे नबी बना दिया गया? ये बात इसने भी कही। इसलिए इस वाक्य को जिक्र करके मुश्रिकीन मक्का को समझाना है ये नबूवत का मसला इसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखता कि बहुत बड़ा मालदार होना चाहिए वो शख्स या मरतबे वाला होना चाहिए, कोई नहीं, बस शराफत होनी चाहिए। कौन सी शराफत? दीनी शराफत। कौन सी शराफत? ये देखो पूरी ज़िंदगी में उन्होंने कभी झूठ बोला है, कभी कोई खिलाफ ये कानून काम किया है उन्होंने, कभी किसी को सताया है, कभी किसी को मारा है, किसी पर जुल्म ज़्यादती की है, कभी ख़यानत की है, किसी का माल लूटा है। ये देखो चीज़ें कि उन्होंने कभी पूरी ज़िंदगी में अंबिया किराम ने कभी किसी का भी ऐसा मामूली से भी काम किया है। वह गलती से मूसा अलैहिस्सलाम ने खाली वो आदमी मर गया, वो भी भूल से, मारने का इरादा नहीं था, फ़ौरन क्या करने लगे? तौबा करने लगे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं चाहता था कि मर जावे, ये तो अचानक ऐसा वाक़या पेश आ गया, मैं तो खाली उसको डांटने गया था और इधर उधर करने गया था, इसलिए मैं क्या हो गया, वो तो मर गया। तो फ़ौरन अंबिया तो ये होते हैं कि मामूली से थोड़ा सा भी कसूर हो जाता है, फ़ौरन अल्लाह ताला के सामने क्या करने लगते हैं? तौबा इस्तिगफार करने लगते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं, बल्कि जिस आदमी का नुकसान किया है उसके सामने भी क्या कर लेते हैं? अंबिया माफ़ी मांग ले। तो ये देखो कि दीनी शराफत इनके अंदर है कि नहीं है, ये नहीं देखना कि दुनिया का मालो दौलत है कि नहीं है, बस क्या देखना है? दीनी शराफत देखी जावे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए कैसी दीनी शराफत, और फिरौन मद्दे मुकाबिल के अंदर कैसा जालिम और कैसा लोगों को परेशान करने वाला। तो इस वाक्य के खास तौर पर इसको जिक्र किया गया है। वलक़द रसलना और तहक़ीक़ के हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हमारे मुआजिज़ात लेकर के, हमारे दलाइल लेकर के, हमारे मुआजिज़ात लेकर के फिरौन के पास और उसके दरबारियों के पास, किप्तियों के पास भेजा। बस आ करके कहा इन्नी रसूल रब्बिल आलमीन, बस कहा बेशक मैं रब्बुल आलमीन का फरिश्तादा हूँ। फलम्मा जाहुम, जब उनके पास हमारे मुआजिज़ात आ गए और उन्होंने बाकायदा मुतालबा किया इसका और मुआजिज़ात बता दिए, जो पहले वाक़या तफसील के साथ आ चुका है, पर जब उनके पास आ गए हम फलम्मा जाहुम, पर जब उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम आ गए हमारे आयात के साथ, हमारे मुआजिज़ात के साथ जो दलालत करने वाले हैं आपकी रिसालत पर, जो दलालत करने वाले हैं अब असा के साथ और यदि वैज़ा के साथ और भी जो भी थी, इज़ा मिन हज़कून, तो यकायक वो आपसे, तो यकायक वो इन आयात से मजाक करने लगे। जब पेश किया आपने मुअजिज़ा, असा को बता दिया, असा तो हंसने लगे, वाह क्या बन गया जादू है। तो हाँ ये वजह बता दी, क्या करने लगे वो हंसने लगे। वो इज़ा हुम मिन्हा, तो यकायक वो लोग उससे हंसने लगे। वमा नूरिहिम मिन आयतिन इल्ला हिय अकबरु मिन उख्तिहा, और हम इनको कोई भी निशानी नहीं दिखाते थे मगर जो उसके जैसी निशानी से बढ़ करके थी। मूसा अलैहिस्सलाम को कितने मुअजिज़ात दिए गए, बहुत सारे ऐसे मुअजिज़ात, मगर बड़े बड़े मुअजिज़ात पे कितने शुमार किए गए हैं, 9 मुअजिज़ात। 30 आयत जो कलामुल्लाह में आया है, 30 आयत का लफ्ज़ 9 मुअजिज़ात। दो मशहूर है सबसे ज़्यादा, यदे बैज़ा और असाए मूसा, ये तो सबसे ज़्यादा मशहूर है 2, और बहुत बड़े मुअजिज़े इसको शुमार किया जाता है। और उसके अलावा सैलाब, जुए, टिड्डी, फिर मेंढक, खून और कहत साली और फुलू की कमी। खटमल का जिक्र का कुम्बल वो जुए, जुए मैंने कहा ना, जुए वही खटमल को जुए कहो, छोटा और बड़ा होता है, वो बदन में हैरान करता है, वो चारपाई में रहकर हैरान करता है, चीज़ें वही है सब। तो ये सब निशानियाँ, तो ये निशाना जब आई, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हमने जब इनको निशानी दिखाई जो अपने उख्त से, अपने करीन से बड़ी हुई थी। इसका मतलब ये नहीं कि एक निशानी छोटी, एक मुअजिज़ा बड़ा, एक मुअजिज़ा छोटा, सभी मुअजिज़े एक दूसरे से क्या थे बढ़ करते। जैसे एक जवानों की जमात हो और बहुत मजबूत लोग खड़े हो, अब एक निकला ये का तो बड़ा मजबूत है, दूसरा निकला वो भी ऐसा ही मजबूत लगा, तो क्या कहते हैं वे एक एक से बढ़ कर है। बोलते हैं ना कि एक निकला थी चढ़िया तो चाहता हो, तो एक से बढ़ कर। यही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि निशाने ऐसी दी गई गोया कि एक से क्या है बढ़ कर। सबसे पहले पानी फैल गया, सैलाब आ गया और पानी सब भर गया, ये अजाब आया। जो भी अजाब आता था कितने दिन रहता था उनके पास, 7 दिन रहता था। कितने दिन? 7 दिन। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास देते, अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए अजाब हट जावे, दुआ करते थे अजाब हट जाता था, फिर महीना मोहलत मिलती थी, फिर वही शरारत, वही चीज़ें, सुधरते नहीं थे, फिर अजाब आता था। मसलन पहले ये सैलाब वाला अजाब आया, फिर उसके बाद कौन सा अजाब आया, टिड्डी वाला अजाब आया, फिर उसके बाद मेंढक का, कोई भी तरतीब जो भी अल्लाह ताला ने तय की थी वो तरतीब से एक एक अजाब आते रहे, हत्ता कि आखिर में कौन सा अजाब आया, कहत साली वाला अजाब आया। फिर एक अजाब कलामुल्लाह में जिक्र किया गया है, इनका माल का तम्स हो जाना, माल क्या बन गया, पत्थर बन गए, एक अजाब इनके ऊपर ये भी आया था इसी किस्म का अजाब। हत्ता कि इन लोगों ने तय कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कर देना, कत्ल कर देना है। ये क्या रोज़ाना सब ये सब लगा है, जब ये तय किया इन लोगों ने तो फिर अल्लाह ताला को क्या कर दिया, घर का कर दिया। जिस चीज़ से वो अपनी बढ़ाया बयान कर रहा था, किससे बढ़ाया बयान कर रहा था, दरिया नील के जरिए, हमारे पास नहरें हैं, पानी है, अल्लाह ने इसको कहाँ डुबाया, वही डुबाया, उसी नील के अंदर अल्लाह ने इसको क्या कर दिया, डुबा दिया। तो जो आदमी जिस चीज़ से फख्र करता है वही उसके हलाकत का जरिया बन जाता है। माल से फख्र करेगा तो माल उसकी हलाकत का क्या बन जाएगा, जरिया बन जाएगा। इल्म पर फख्र करेगा तो इल्म उसकी हलाकत का क्या बन जाएगा, जरिया। इल्म से कहाँ तक पहुँचना है, अल्लाह ताला तक पहुँचना है। इल्म से फख्र नहीं करना है, तकबर नहीं करना है, बल्कि अल्लाह ताला के पहुंचने का क्या है, जरिया है। माल भी अल्लाह ताला तक पहुंचने का क्या है, जरिया है। हुनर अल्लाह ताला तक पहुंचने का, ये सब जराए हैं कि इससे आदमी कहाँ तक पहुंचे, अल्लाह ताला तक पहुंचे। नहीं एक अपने हुनरों के ऊपर, अपने माल के ऊपर, अपने इल्म के ऊपर वो फख्र करे। वमा नूरिहिम, और हमने इनको नहीं दिखाया कोई निशानी, अजाब की निशानियों में से, अजाब की निशानियों में से कोई निशानी नहीं दिखाई, जैसे कि तूफान और वो पानी जो उनके घरों में घुस गया और पहुंच गया बैठने वालों के हुलकुमों तक, और पहुंच गया बैठने वालों के, इतना पानी भर गया कि हुलकुम तक गया कि पानी क्या है आ गया। 7 दिन तक। वल जराद, और टिड्डियों का अजाब, इल्ला हिया, मगर वो निशानी बड़ी हुई थी अपनी बहन से, अपनी उख्त से, मुराद के अपने हम जैसी दूसरी निशानी से, अल्लती कबला जो उससे पहले थी। पहले पानी का अजाब आया, फिर उसके बाद टिड्डी वाला, तो लगा टिड्डी वाला इससे भी बढ़कर है, फिर उसके बाद मेंढक वाला आया तो देखा तो इससे भी बढ़कर है। इस तरह के समझ रहे थे, हालांकि सभी अजाब एक दूसरे से क्या हुए थे, बड़े हुए थे। उख्ते का माना किसे किया, करी नतिया, मुराद उसके जैसा दूसरा अजाब, उसके जैसा दूसरा अजाब जो उससे पहले है। वह खसनाउम, और हमने उनको पकड़ा अजाब के अंदर, लल्लम यरजिऊन, ताकि वो ढीले पड़ जावे, लौट जावे उनके कुफर से। क़ौलु मूसा, और इन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, जब अजाब को देखा, जब सैलाब का अजाब देखा, टिड्डी का अजाब देखा, मेंढकों का अजाब देखा, जब इन्होंने अजाब को देखा, या अय्युस्साहिर, अय शायर, अय आलिम कामिल, या शायर का अगर मजाक करना मुराद नहीं है, बल्कि शायर का क्या करना, इज्जत करना है। या तो दुआ की दरखास्त कर रहे हैं तो दुआ के लिए क्या कहा जाएगा, ऊंचा लफ्ज बोला जाएगा। और मिस्र के अंदर जो भी बड़ा जादूगर होता था, बड़ा शायर, उसको अच्छे निकाह से, जैसे आजकल के ज़माने के अंदर बड़े आलिम को PhD करने वाला उसको बड़ा डॉक्टर समझते हैं कि वहाँ PhD इस डॉक्टर ने की है, बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, चाहे कुछ आता हो कोई ना आता हो, मगर लिख दिया गया किताब के ऊपर PhD तो गोवा के बहुत बड़ा बन गया। तो ऐसे उस ज़माने के अंदर शायर बहुत ऊँचा लकब शुमार किया जाता था। तो या इस शायर के अगर पुकारा और उन्होंने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम जी जब अजाब को देखा उन्होंने अय शायर, अय बड़े आलिम, अय आलिम कामिल, इसी के साथ उनके नज़दीक इल्म अजीम था। उदो लना, हमारे दुआ कीजिए अपने रब से, बेमा आहिद इंदक, माँ मौसूला या माँ मसदरिया दोनों है। यहाँ पर साहिब किताब ने माँ कौन सा लिया है, मौसूला लिया है, इसलिए इबारत निकल मीन कशफुल अज़ाब। हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए उस चीज़ की जो पैमान आपके पास है, जो नबूवत आपके पास, आपको क्या बनाकर भेजा गया है, नबी बनाकर के भेजा गया है, अब अल्लाह के रसूल है, लिहाजा अल्लाह ताला से क्या कीजिए, दुआ कीजिए। हमारे दुआ कीजिए अपने रब से बिमा अहिद, उस चीज़ से जो के अहद आपके पास है, यानी अजाब के हटने का हमसे अगर ईमान लिया है, यानी अजाब के हटने का हमसे अगर हम क्या लिया, ईमान लिया। आप खुद कहते हैं कि अजाब ईमान ले आओ तो हम क्या, अजाब तुमसे दूर हो जाएगा, हम ईमान ले आते हैं तो अजाब हमको क्या कर दीजिए, अजाब का हमसे हटा दीजिए। इन्ना लमुहतदून, बेशक हम हिदायत पर आ जाएंगे, मोमिनून, हम क्या हो जाएंगे, ईमान वाले बन जाएंगे। फलम्मा कशफना, पर जब ने अजाब को हटा दिया मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उनसे अजाब को, इदा यनकुसून, तो वो अहद को, अपने अहद को तोड़, यनकुसून तोड़ने लगे और अपने कुफ्र पर इसरार करने लगे। मनादा फिरौन, ये तो सब चल ही रहा था, अब देखा कि सब मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ न हो जावे, यह अजाब को देख करके तो अपने कौम को उसने बुलाया, दावत दी, या तो खुद बुलाया उसने, सबको पुकारा भाषण देने के लिए, या एक किसी एलची के जरिए से बुला के भाषण देना है, अब मेरा क्या चलेगा, भाषण चलेगा। फिरौन ने भाषण दिया, क्या भाषण दिया, देखो। अनादा फिरौन, और फिरौन ने पुकारा, इफ्तिखारन फी कौमी, फख्र करते हुए अपने कौम के अंदर, और पुकार करके क्या कहा, कौल यू कहा, आई मेरे कौम, अलैसली मुल्क मिस्र, क्या मेरे लिए मुल्क मिस्र नहीं है, मिस्र का बादशाह कौन है, देखो किसकी हुकूमत चलती है, किसका पावर चलता है, मिस्र मेरे कब्जे के अंदर है। इसलिए उस ज़माने के अंदर मिस्र को सुपर पावर कहा जाता था, और जो मिस्र का बादशाह बहुत बड़ा शुमार किया जाता था, जिस आजकल अमेरिका का बादशाह बहुत बड़ा शुमार किया जाता है, सुपर पावर उसके पास है। तो ऐसे उस ज़माने के अंदर मिस्र का बड़ा बादशाह शुमार किया जाता था। क्या मेरे पास मुल्क मिस्र नहीं है, और ये नहरें, यानी कौन सी दरियाई नील वगैरह की नहरें, के डैम बांध दिया था और उससे तमाम पूरे मुल्क में पानी चलाया था, नहरें चलाई थी। तजरी मिन तहती, जो चलती है मेरे नीचे से, मेरे महलों के नीचे से, मेरे महल के नीचे से। जैसे कि आपने देखा होगा लाल किला, वहाँ भी करीब में कौन सी नहर चलती है, जमुना चलती है, का पानी नहर के अंदर, महल के अंदर से चलाया गया है, वहाँ नहर बनाई गई है, का पानी ऊपर चढ़ाया गया है। तो पहले ज़माने में ऐसा रिवाज हुआ करता था कि नहर करीब में होती तो उसका पानी ऊपर चढ़ाया जाता था और महल के अंदर से उसको गुजारा जाता था। देखा है लाल किला, नहीं देखा है, अच्छा, अब तो अंदर गया था आखिर में, अभी तो अंदर वहाँ नहीं जाने देते थे जहाँ पानी चलाया है। तजरी मिन तहती, जब देखे तो इस आयत को फिर समझ में आती है वहाँ जाकर के बराबर अच्छी तरह, कि उसके नीचे से नहरें, और ये नहरें यानी दरियाई नील के नहरें, तजरी चल रही है उसके नीचे, मेरे नीचे से, यानी मेरे महल के नीचे से। अफला तुबसिरून, क्या तुम नहीं देख रहे हो, यानी मेरी अजमत को नहीं देखो, तुम कितना बड़ा हो, मुल्क मिस्र का बादशाह हो, ये नहरें सब मेरे कब्जे के अंदर है, तमाम रिस्क देने वाला मैं हूँ, कि रूपानी कौन पहुँचाता है, मैं तुमको पहुँचाता हूँ, ये सब कहने लगा। अफला तुबसिरून, क्या बस तुम नहीं देख रहे हो, यानी मेरी अजमत को तुम नहीं देख रहे हो। अम तुबसिरून, क्या तुम देख रहे हो, वही नहीं जिन, और इस वक्त मैं बेहतर हूँ इससे। अब मेरा और मूसा अलैहिस्सलाम का क्या कीजिए, मुकाबला कीजिए, मैं मिस्र का क्या हो, फरमारवा हो, जिम्मेदार हूँ, नहरें मैंने जारी कर दी है, अब मद्दे मुकाबले किसको देखो, मूसा अलैहिस्सलाम को देखो, उनके पास क्या है, न माल है, न जा है, न कोई ओहदा, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर इनको नबी बना दिया गया, उनकी बात कैसे मानी जाएगी, बात किसकी मानी जाएगी, तो मैं अच्छा हूँ या वो अच्छे हैं, तुम खुद बताओ, फैसला करो, क्या मैं बेहतर हूँ इससे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से। अल्लज़ी वो महीन, जो कि वो क्या है, कमज़ोर है, ऐ ज़ईफ़ुन हक़ीक़ुन हक़ीरुन, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, हक़ीर है, कोई ताकत उनके पास नहीं है। वला यक़ादु युबीन, और साफ बोल भी नहीं सकते, वला यक़ादु युबीन, और मैं कैसे साफ तकरीर कर रहा हूँ, कैसा भाषण दे रहा हूँ देखो, और ये क्या बोल सकते हैं, तकरीर नहीं कर सकते हैं, वला यक़ादुबीन, और साफ बोल भी नहीं सकते हैं, जो अपने कलाम को जाहिर नहीं कर सकते हैं, क्यों, ये लुसगतिन, उस लुकनत की वजह से, लुकनत की वजह से, बिल जमरते, अंगारे के ज़रिए से जिसको ले लिया था अपने छोटेपन में, जो वाक़या पेश आया था मालूम है ना, कि एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को क्या लगा दी, थप्पड़ लगा दी। छोटे थे वो, बच्चे थे वो, थप्पड़ लगा दी। फ़िरौन बड़ा गुस्से हुआ, इतने बड़े आदमी को, बादशाह को थप्पड़ लगा दी। तो कहा कि वाकई ये तो कोई बहुत समझदार आदमी है, बड़ा है, उसको कत्ल कर दिया जाए। हज़रत असिया के सामने बात आई तो कहा कि नहीं तो बच्चा है, बच्चा तो होते ही ऐसे थप्पड़ मार देते, लकड़ी मार देते हैं, ये बच्चे की वजह से किया है कि इसका इम्तिहान लिया जाए, पता चले कि अक्ल से किया है कि बचपने की वजह से किया है, कि चलो ऐसा करो अंगारे लाओ और मोती लाओ, या अंगारे लाओ और क्या लाओ, दूसरी कोई चीज़ सामने लाओ। अगर ये समझ अक्ल से क्या होगा तो हाथ कहाँ डालेगा, अच्छी जगह मोती में डालेगा, अंगारे में नहीं डालेगा। और बचपने की वजह से किया है तो हाथ कहाँ डालेगा, वो चमकदार है चीज़ें, अंगारा ज़्यादा चमकता, अंगारे में डालेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब लाया गया तो हाथ तो कहाँ जा रहा था, मोती में, समझदार थे तो जैसे पकड़ के कहाँ डाल दिया, अंगारे में डाल दिया, और मुंह में भी वो अंगारा ले लिया, जिसकी वजह से क्या हो गई, कुछ लुकनत हो गई। मगर जब नबूवत दी गई तो उन्होंने दरखास्त कर दी थी कि मेरी ज़ुबान को क्या कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए। तो ज़ुबान अक्सर उनकी साफ़ हो गई थी, ठीक है, कुछ थोड़ी सी कमी रह गई अंदर। और लेलुस का दिन लुकनत की वजह से, जमरे के ज़रिए से, उस अंगारे के ज़रिए जिसको ले लिया था अपने छोटेपन के अंदर। फलौला, बस इनके ऊपर अगर वो सच्चे हैं तो सोने के कंगन क्यों नहीं डाले गए। फलौला, वही कौन कह रहा है, तकरीर कौन कर रहा है, फ़िरौन तकरीर कर रहा है कि मैं अच्छा, या ये अच्छे, देखो ये तो क्या है, महीन है और बोल भी नहीं सकते हैं। और अगर इनको रसूल बनाया गया तो फिर क्या करना चाहिए था, कंगन बना के भेज, कंगन पहना के भेजना चाहिए था। हम हमारे इल्ची को भेजते हैं सफ़ीर बना करके, हम क्या पहनाते हैं, कंगन पहनाते हैं, पता चले कि हमारा आदमी है। उसके साथ सीआईडी होती है, आगे पीछे फौज हुआ करती है, लोग होते हैं। तो ऐसा भेजना चाहिए मूसा अलैहिस्सलाम को, फिर आगे पीछे क्या होने चाहिए, फौजी दस्ते होने चाहिए, हमारी बातें मान लो, इस तरह ऐलान करना चाहिए। न कोई फौजी दस्ता साथ में है, न कंगन पहनाया गया है, न कोई सिक्का बिक्का दिया गया है, हम इनकी बातें कैसे मान लेवे, ये कुछ भी नहीं, सब ऐसी बातें हैं, उनकी बातें मत मानो। और कौम को क्या मन, भाषण दे करके उल्लू बना दिया, और कौम भी क्या बन गई, उल्लू बन गई सब। जैसे आजकल ऐसा ही होता है ना, सब भाषण दिया जाता है और सबको अपनी तरफ खींच लिया जाता है, और कौम भी पागल होती है कि क्या बन जाते, पागल उसके पीछे बन जाती है। फलौला हल्ला, बस क्यों उसके ऊपर डाले नहीं गए, अगर वो सच्चा है। सोने के कंगन, असावीर जमा किसकी, अस्वेरतुन की, जैसे अगरीबतुन जमा किसकी, जैसे अगरीबतुन, जैसा गरीबतुन, बस बस मिसाल पूरी हो गई। असावीर जमा किसकी जमा है, अस्वेरतुन की जमा, जैसे अगरीबतुन। और ये अस्वेरतुन जमा है सिवार की, या सुवार, सिवार या सुवार, और ये जमा है यानी जमुल जमा हुआ कि यू हुआ, क्या हुआ, जमुल जमा। असाविर किसकी जमा, अस्वेरतुन की। अस्वेरतुन का वजन कैसे, जैसे अगरीबतुन, बात पूरी हो गई। फिर दूसरी बात, और ये अस्वेरतुन ये किसकी जमा है, सिवार की जमा है। अब वो बात समझाते हैं, आयत का तर्जुमा समझ जाते हैं, लुगत की बात पूरी हो गई। जैसे उनकी आदत, उस शख्स फी माँ या लफ्ज़ लिखा है, बाकी शरह के अंदर क्या लिखा है, फ़ी मन, और ज़्यादा वाज़े क्या होना चाहिए, फ़ी मन। जैसा कि उनकी आदत उस शख्स के बारे में कि जिसको सरदार बनाते थे, कि इसको पहनाते थे सोने के कंगन, और उसको तोक पहनाते थे, सोने का तोक, कि जिसको ज़िम्मेदार सरदार बनाया गया तो उसके गले में क्या डाला जाता था, उसके सर पर ताज पहनाया जाता था और गले में तोक डाला जाता था, इस तरह गोया कि बड़ी उसका कंगन पहनाए जाते, उसको हाथ में कंगन डाले जाते थे। होगा उस ज़माने में ऐसा कोई रिवाज, जैसे हमारे यहाँ भी जब बड़ा ज़िम्मेदार बनता है, जब उसका हलफ लिया जाता है तो उसको कुछ पहनाया जाता होगा, जैसे रिवाज वगैरह होगा, और पहना कर उसको बाकायदा उसका हलफ लिया जाता है कि मुल्क को मैं क्या ईमानदारी से चलाऊँगा, ख़यानत नहीं करूँगा, और मुल्क के लोगों में क्या करूँगा, सब वो होता है रस्मी, जो भी होना हो। अब हकीकत क्या है क्या नहीं, अल्लाह आलम। औजा उमलमला, या उसके साथ क्या, या उसके साथ कोई फरिश्ता नहीं आया, मुख्तरिनीन ऐ मुतताबीन, जो उसके साथ ताबे हो, जो गवाही दे उसके सिद्क़ की। अगर ये फरिश्ते हैं या रसूल है तो उनके साथ क्या भेजने चाहिए थे, फरिश्ते भेजने चाहिए थे, जो इनके साथ साथ रहे, कहे कि अल्लाह के सच्चे रसूल है, इनकी बातें मान लो। बस उनके ऊपर कोई सोने के कंगन क्यों नहीं डाले गए, या उसके साथ कोई मलाइका क्यों नहीं आए, मुक्तरीनीन ऐ मुत्तताबीन, जो इनके साथ लगे रहे, जो गवाही दे इनकी सिद्क़ के बारे में। फस्तखफ़ कौम फ़ताऊ, बस उसने फ़िरौन ने अपने कौम को उल्लू बना दिया। फस्तखफ़ इस्तफ़ज़ फ़िरौन, फ़िरौन अपने कौम पर क्या आ गया, गालिब आ गया, अपनी कौम को हल्का समझा कि बेवकूफ़ लोग हैं, इनको जैसा चाहो क्या बना दो, बेवकूफ़ बना दो, हम ऐसा करेंगे ऐसा कह दो, कुछ करना बना तो है नहीं, और कौम क्या बन जाएगी, उल्लू बन जाएगी। फ़ाताऊ, बस उन्होंने उसकी इताअत कर ली, फ़ी मा युरीदु मिन, उस चीज़ में जो ये चाहता था, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब, मूसा अलैहिस्सलाम को मत मानो और मेरी बातों को क्या कर लो, मान लो। तो लोगों ने उसकी बातें क्या कर ली, मान ली। बस उन्होंने लोगों ने कौम ने फिरौन की इताअत कर ली फी मा युरीदो, उस चीज़ में जो वो चाहता था, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की क्या करना, तकज़ीब करना। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, बेशक ये कैसे लोग थे, फासिक लोग थे। फलम्मा आसफूना, पर जबकि उन्होंने हमको गुस्सा दिलाया, हमने बार बार उनको समझाया, नसीहत की मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से समझाया, मगर नहीं आए सुधरे, बल्कि दिन ब दिन ज़्यादा बिगाड़ आता चला गया। पर जब उन्होंने हमको गुस्सा दिलाया, ये गुस्सा दिलाने से मुराद किया, हमने जब इंतकाम लेने का तय किया, मैंने अल्लाह को गुस्सा कोई सवाल ही नहीं, अल्लाह ताला कैफियत से क्या है, मुबर्रा है, पाक है, अल्लाह के कोई कैफियत वगैरह तारी होती नहीं है। पर जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया, मुराद क्या है, जब हमने तय किया उनसे क्या लेना है, इंतकाम लेना है, हमने उनसे इंतकाम ले लिया, बस हमने इन तमाम को गर्क कर दिया उसी दरिया के अंदर जिससे वो अपने फ़ख्र बयान कर रहा था, उसी दरिया के अंदर उनको गर्क कर दिया, बस हमने उनको गर्क कर दिया इन तमाम को। फजअलनाहुम, बस हमने उनको बना दिया सलफ़न, ये सलफ़ जमा है किसकी, सालिफ़ की, जिसे खादिम और खदम, खदम जमा है खादिम की, ऐसे सालिफ़ की जमा क्या है सलफ़, और माना क्या है ऐसाबिकीन, बस हमने उनको बना दिया सबकत करने वाला इबरत के तौर के ऊपर, और कहावत लिल आखिरीन, पीछे आने वालों के लिए, और कहावत किस्सा बना दिया पीछे आने वालों के लिए, आखिरीन मुराद किया उनके बाद वाले, ये तमस्सलून बिहालिम के मिसाल पकड़े और उनके हाल के ज़रिए से, फला युकद्दिमूना अला मिस्ल अफ़ालिम, बस पेशकदमी न करे उनके जैसे अफ़ाल करने पर, अला मिस्ल अफ़ालिम, उनके अफ़ाल के जैसे के ऊपर, उन जैसे अफ़ाल करने पर पेशकदमी वो न करे, इकदाम न करे वो, बल्कि क्या रहे वो, पीछे रहे। यदि अगर ऐसा किया, जैसे उसने गलत कहा था तो उसका नतीजा भुगतना पड़ा, हम भी गलत करेंगे, हमको हमारा नतीजा क्या करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा।